नमस्कार, प्रणाम। सभी सहारा पीड़ितों एवं जमाकर्ताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नई वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर। मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापत और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। जैसा कि हमारे जितने भी सहारा बंधु अपने पैसे को लेकर परेशान हैं, देश के 42 से 43 करोड़ ठगी पीड़ित सभी परेशान नज़र आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार भी सुनवाई में नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं सुनवाई तो ज़रूर की जाएगी। इस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। जो सहकारिता मंत्री का बड़ा बयान है, क्या पैसे को लेकर उनका रिएक्शन है, उस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। अगर आप में से जिसका भी पैसा सहारा इंडिया के अंतर्गत या कह लें सहारा की चारों सोसाइटियों में से आपका पैसा फंसा हुआ है, और भी देश में ऐसी कई चीट फंड कंपनियां हैं जिनमें आप लोगों का भारी अमाउंट जमा है और फंसा है, पैसा पाने के लिए हर एक निवेशक, चाहे छोटा निवेशक हो और चाहे बड़ा निवेशक हो, सभी लोग अपने पैसे पाने के लिए लगातार अथक प्रयास कर रहे हैं। इतने प्रयास करने के बावजूद भी उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसकी बात आप शायद जानते हैं। सभी को मालूम है पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है। सभी परेशान हैं, सभी लोग हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हैं, पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो हम आप सभी को जो बताने वाले हैं कि आप सभी का पैसा कब से मिल सकता है, और एक इधर सहारा कार्यालय खुलने के भी संकेत मिलने लगे हैं, क्योंकि विदाउट सहारा ऑफिस ओपन हुए भुगतान जो है इम्पॉसिबल सभी को लग रहा है। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करना चाहेंगे, लेकिन सहारा बंधु आपसे कुछ हम अनुरोध करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कृपया चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हों तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंच सके। तो सहारा बंधु, आपका समय न वेस्ट करते हुए हम सीधे अपनी वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए सहारा बंधु, हम लोगों का जो पैसा फंसा हुआ है सहारा इंडिया के अंतर्गत काफ़ी दिनों से, इसका पैसा नहीं मिल पा रहा है, ये बात आप लोग जानते ही हैं। इसके लिए अनेक प्रयास हम लोगों ने किए, कई संगठनों ने किए, लगातार हम लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन आंदोलन हुए। इसी की जो आवाज़ें हैं, हम लोगों की जो आवाज़ें हैं, ये आवाज़ें कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक जा रही हैं, माननीय सहकारिता मंत्री के पास भी जा रही हैं, लेकिन कोई भी इसकी सुनवाई करने वाला नहीं है, ना कोई सुनवाई कर रहा है। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए सहकारिता मंत्री जी अब लगता है हम लोगों के भुगतान के लिए रास्ता ओपन करेंगे, कहीं ना कहीं रास्ता ज़रूर निकालेंगे जिससे निवेशकों का भुगतान हो जाए। इससे पहले आप सभी को एक हम और अपडेट सुना दे, छोटी सी खबर है, जो हम लोगों के द्वारा 30 जनवरी 2024 को महा आंदोलन हुआ था दिल्ली के जंतर मंतर में। पूरे देश के सहारा पीड़ित, 12 से 13 करोड़ सहारा पीड़ित इकट्ठे हुए थे दिल्ली के जंतर मंतर पर। सभी लोग अपना आंदोलन का साथ दे रहे थे और आवाज़ें उठा रहे थे। उसी समय भाजपा कार्यालय से सभी सहारा निवेशकों को आमंत्रित किया गया। सभी सहारा पीड़ित बंधु सहारा भाजपा कार्यालय पहुँचे, तो उस भाजपा कार्यालय में बताया गया था कि बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत
नियम कानून लागू करके आप लोगों का पैसा मिल सकता है, ये बात बताई गई थी। आप लोग जानते होंगे, कितने लोग जानते हैं ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखें, कितने लोगों ने ये बात सुनी थी जब 30 जनवरी 2024 का आंदोलन हुआ था। अभी कुछ ही दिन पहले, 15-20 दिन पहले जब आंदोलन हुआ था, तो भाजपा कार्यालय से यही एक संकेत मिला था कि जितने भी सहारा पीड़ित हैं उनका पैसा बट्स एक्ट 2019 कानून के तहत पैसा मिल सकता है, ये बात शर्त थी। लेकिन बट्स एक्ट 2019 का जो कानून है उसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन कानून बनने से ही पैसा नहीं मिल सकता है। कोई भी नियम हो उससे पैसा नहीं मिलेगा, जब तक नियम फॉलो नहीं होगा। तो कोर्ट के अनुसार जो जवाब आया है, ये 2019 का जो एक्ट था बट्स एक्ट कानून, इसमें ये बताया गया है कि जिनका मैच्योरिटी अमाउंट 2019 के पहले पूरा है, जिनका मैच्योरिटी अमाउंट 2019 से पहले पूरा है उनका पैसा बट्स एक्ट 2019 के तहत नहीं मिल सकता है, और जिनका मैच्योरिटी अमाउंट 2019 के बाद में पूरा है, लगभग आज 2024 स्टार्ट हो गया है, लगभग 5 वर्ष हो गए हैं, 2019 के बाद का जितना मैच्योरिटी अमाउंट पूरा है उनका बट्स एक्ट के द्वारा भी मिल सकता है भुगतान। ये बट्स एक्ट 2019 का जो कानून था उसके द्वारा जवाब दिया गया। अब हम लोगों के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी हो रही है कि पैसा आखिर किस प्रकार से मिलेगा, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं, ज़रूर सहकारिता मंत्रालय की तरफ से माननीय सहकारिता मंत्री जी ने जो बताया है कि आप लोगों का जो भुगतान है चुनाव से पहले मिल जाएगा। अब आप लोग पूछेंगे ये खबर कहाँ से लाते हैं, तो खबर की बात मत सोचिए, हम भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से ही इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं और आप सभी को शेयर करते हैं। तो हम लोग देखते हैं भाई, चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, चुनाव से पहले भुगतान मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो चुनाव के पहले हो सकता है तो सहारा कार्यालय खुलने के संकेत भी मिल रहे हैं, तभी तो ऐसा लग रहा है कि भुगतान हम लोगों का जो है हो जाएगा। इसीलिए हम आज की इस वीडियो को लेकर के आए हुए थे आप सभी को बताने के लिए। तो सहारा बंधु, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, और अपनी कोई विचार होते हैं, डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और सहारा बंधु, हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, जय जवान, जय किसान।